यह है जामिया मस्जिद लेह लद्दाख, काफी सुंदर है। तो ये मार्केट पूरा वहां से लेकर के पूरा गाड़ी अपनी बंद है, गाड़ी अपने आप आ रही है। बहुत ही यम्मी लग रही है और ये रोटी बन रही है हमारी, ये देखिए। बोलते हैं कि नहीं किसी भी कैंप में कहीं भी जाइए, किसी भी कैंप में ऊपर देखिएगा वो टीम। गुड मॉर्निंग गाइस और वेलकम टू माय व्लॉग। और पता नहीं अभी डे 3 है कि डे 4 है, बहुत दिन हो गए हैं, भूल गया हूँ मैं। तो फिलहाल अभी हम हैं लेह में, हमने 2 दिन का स्टे किया है यहाँ लेह में। तो आज लेह से हम निकलेंगे और जाएंगे श्रीनगर की तरफ। फिलहाल हम चलते हैं, करते हैं नाश्ता ब्रेकफास्ट, उसके बाद फिर हम निकलते हैं लेह से। और मोस्ट ऑफली लेह में जो भी 2 चीज़ें हैं वो देखते हुए हम जाएंगे और वो कवर करके मैं आपको भी बताऊंगा, और उसके बाद हम निकलेंगे श्रीनगर। तो फिलहाल टाइम हो रहा है अभी 9:25, तो देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। श्रीनगर का रास्ता है कोई 420 किलोमीटर लंबा और 11 घंटे के आसपास टाइम लगना चाहिए। तो देखते हैं कारगिल में स्टे करते हैं या फिर और आगे निकल पाते हैं, सोनमर्ग पहुँच पाते हैं, तो जैसा भी जहाँ भी पहुँच पाते हैं मैं आपको बताता हूँ अपने ब्लॉग में। तो बने रहिए ब्लॉग में। दोस्तों हम आ चुके हैं हॉल ऑफ फेम, ये लेह के अंदर है। मैं आपको दिखा देता हूँ एग्जैक्टली कैसी ये क्या है यहाँ पर, अंदर भी जाएंगे इसमें। बाकी शायद अंदर वीडियोग्राफी अलाउड ना हो, चला करो ताकि ड्राइवर। दोस्तों इसकी जो टिकट है वो है 250 पर पर्सन, और अप टू 14 ईयर्स जो भी बच्चे हैं वो लोग फ्री में एंट्री कर सकते हैं। मोबाइल्स आपको जमा कराने पड़ेंगे, अपनी गाड़ी में रखने पड़ेंगे, और यहाँ पर कैश नहीं चलेगा, कार्ड से ही आपको पेमेंट करनी, नो कैश कार्ड होंगे। देंगे तो एग्जैक्टली आपको अमाउंट देना पड़ेगा इन लोगों को। फ़ोन की भी हमने पर्ची ले ली है, 20 रुपये की लगती है पर्ची, बट फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, बस एंट्री और एग्जिट पे ही हम फ़ोन का वीडियोग्राफी यूज़ कर सकते हो। फिलहाल हॉल ऑफ फेम यहाँ से होगी एंट्री आपकी। दिस इज ऑल हिस्ट्री ऑफ लद्दाख, पॉज करके देख सकते हैं। This is all about Zorawar Singh. ये कुछ फोटोग्राफ्स हैं हमारे इंडियन आर्मी के कुछ स्पेशल मोमेंट्स। कर्नल और विश्वनाथन
सारे के सारे हथियार पाकिस्तान से जंग के टाइम पर कैप्चर किए गए हथियार इनको यहाँ शोकेस किया गया। उन्नीस सौ 1965 वॉर के अंदर ही कैप्चर की गई पाकिस्तानी गन मशीन। 1962 में चाइनीज वेपन्स जो कैप्चर किए गए थे इंडियन आर्मी द्वारा। 1947 के एक ऑपरेशन में कैप्चर किए गए पाकिस्तानी वेपन्स हैं। ये इंडो पाकिस्तान वॉर के कुछ चित्र आपको यहाँ देखेंगे। पैराड्रॉप फॉर 77 पैराशूट गेट एट थ्रास। रीकैप्चर ऑफ पॉइंट 13620, दिस इज द पॉइंट। भारत माता की जय बोलने में किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरी तरफ से, है किसी को दिक्कत नहीं? जाने के बाद गला खराब हो गया आपका? नहीं, सर ये सब बहुत रहे हैं, आपको पता भी नहीं होगा क्यों बोलते हैं। क्यों बोलते हैं भारत माता की जय? मोटिवेट करने के लिए। ऐसा शब्द है जो पूरा आपको जो जो जुनून शक्ति ताकत क्षमता मिलती है हमें लड़ाई लड़ने के लिए। बोलते कि नहीं, किसी भी गेम में कहीं भी जाइए, किसी भी गेम के ऊपर देखिएगा, वो टीम अपने आप में क्या करता है, हौसला प्रदान करने के लिए। ये बारे गाइज़, हम अंदर से होके आ गए हैं और यकीन मानिए कि अगर आप यहाँ पर आए तो इसको बिल्कुल ही मिस मत करना। अंदर ना जो आर्मी के जो उन्होंने डिप्यूट किए हुए हैं वो सारी चीज़ें बताते हैं, कैसे उन्होंने कारगिल विजय ऑपरेशन को अंजाम दिया, बाकी सारी टॉप्स को कहाँ पर थी वो, कहाँ से हम चढ़े, कहाँ से वो लोग उतरे, फिर वो कैसे उन्होंने कैप्चर किया, रिकैप्चर किया, सारी चीज़ें सियाचिन के बारे में भी बताते हैं। तो सारी चीज़ें बड़ी एनर्जेटिक हैं और जिनको नहीं मालूम है उनको ज़रूर, मतलब उनको मालूम भी चलना चाहिए कि कैसे हमारे जवानों ने इन सारी चीज़ों को, सारे टॉप्स को जो रिकैप्चर किया अपनी जान की बाजी लगा करके, और भी सारी चीज़ें वहाँ पर देखने के लिए, तो बड़ा जोश भर देती हैं सारी चीज़ें और बहुत अच्छा लगा मेरे को देख करके। और आप अभी अगर कभी भी लेह में आएँ तो इसको बिल्कुल ही मिस ना करें। शाम को यहाँ एक शो भी होता है, बट अभी हम निकलना है हमें, तो हम वो शो अटेंड नहीं कर पाएंगे। बट बताते हैं कि उस शो के अंदर सारी चीज़ें बताते हैं, वो पूरा दिखाते हैं कैसे कैसे सारी चीज़ें हुई थी और कैसे रिटेलिएट किया था इंडियन आर्मी ने। फिलहाल ये उन सब जवानों के नाम इस पे लिखे हुए हैं। टोटल 1891 जवान से जो नॉर्दर्न कमांड के अंदर अपनी अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है उन्होंने भारत देश के लिए, उनके नाम यहाँ लिखे हुए हैं। इसमें सियाचिन और कारगिल युद्ध और जो एवलांच भी आते हैं उनमें भी जो शहीद होते हैं, उन सब के नाम इसमें हैं। शौर्य स्थल, ये में एक बार हम फिर से डीजल डला रहे हैं, डीजल का रेट है 88.85। गाड़ी अपनी बंद है, गाड़ी अपने आप आ रही है। गाड़ी
आप देखेंगे सामने ऊंचाई है, गाड़ी की स्पीड भी काफी तेज है, काफी तेज जा रही है। दोस्तों ये है लेह से श्रीनगर जाते हुए एक टॉप पॉइंट। ये देखिए क्या बढ़िया पहाड़ है, नीचे ज़िगज़ैग रोड है, लूप्स काफी सारे। तो दोस्तों अभी हम हैं कारगिल से कोई 50 या 55 किलोमीटर दूर और धूप काफ़ी तेज़ है यहाँ पर। और मैं आपको बता दूँ कि लेह से कारगिल कोई 207 किलोमीटर दूर था, तो हमने लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पार तय कर ली है। काफ़ी तेज़ धूप है गाइस। हमने गाड़ी रोक ली है अपनी और अब थोड़ा सा हमने हैवी ब्रेकफास्ट किया था, तो लंच हमने डिले कर दिया अपना। और हम कारगिल से हैं अभी कोई लगभग 40 किलोमीटर पहले। चाय बन रही है, आलू टमाटर और प्याज की सब्जी बनेगी। और ये चादू कहाँ है, आटा रोटी के लिए। दोस्तों ये हमारी सब्जी बनी है आलू टमाटर की, बहुत ही यम्मी लग रही है। और ये रोटी बन रही है हमारी, ये देखिए क्या बढ़िया। इसमें चावल बन चुके हैं हमारे, भैया बड़ा मेहनत का काम कर रहे हैं, गद्दा पकड़ के खड़े हुए। और इसमें हमारे चावल बन रहे हैं और उसमें चावल बन चुके हैं हमारे, ठंडे हो रहे हैं। और रोटियां काफी रेडी है, सब लोग आ जाओ भाई खाना खाने के लिए, बैठ जाओ यहीं नीचे। और ये लोकेशन है हमारी, उधर नदी है पीछे की तरफ, हम उस तरफ गए नहीं है क्योंकि हमें ये ठीक से लग रहा था, यहाँ गर्मी भी काफी है। चलिए अब हम खाने को खाते हैं और उसके बाद आगे निकलते हैं। हम लोग आ चुके हैं अभी कारगिल और टाइम हो गया है 8 रात के। और हमारे राइट में है कारगिल बस स्टेशन, बस स्टॉप, बस अड्डा इनफैक्ट। सामने ये सारी कारगिल की मार्केट और पीछे कारगिल टाउन है, प्रॉपर मार्केट है यहाँ पर, होटल्स वगैरह भी हैं, प्रॉपर अच्छी सिटी सी लग रही है मुझे। हमारे बाजू में चल रही है सुरु नदी, रात का टाइम में दिखेगी नहीं अभी।